मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अपने इलाके के शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ ऐसे करे शिकायत। इंटर और मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2023 की तारीख आई सामने। इस ऐप से मिलेगी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी। आज होगा विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला का उद्घाटन। स्कूल डायरी से अभिभावकों को पता चल रहा बच्चों का प्रदर्शन। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BHU में फैकल्टी के 307 पदों पर निकली भर्ती। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 307 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए BHU की ऑफिशियल वेबसाइट www.bhu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि आवेदन शुल्क जनरल, OBC एवं EWS वर्ग के लिए ₹1,000 तय है। SC ST महिला एवं ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना होगा। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री के साथ 10 साल का कार्य अनुभव, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री के साथ 8 साल का अनुभव, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री हो चाहिए, UGC नेट या SLET परीक्षा पास की होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी जरूर पढ़ ले। अपने इलाके के शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ ऐसे कड़ी शिकायत। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कई लोग ऐसे दिख जाते हैं जो नशे की हालत में होते हैं। ऐसे में अगर आपके इलाके या क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब पीता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि आपको यह शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप घर बैठे बैठे ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा कॉल सेंटर का एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर आप कॉल कर अपनी शिकायत करवा सकते हैं। बता दें कि जो नंबर जारी किया गया है वह 15545 या 1800-345-6268 या 06123509880 या 947340600 है, जिस पर संपर्क कर अगर आपके इलाके में कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इंटर और मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2023 की तारीख आई सामने। अगर आप भी इंटर और मैट्रिक की जांच परीक्षा यानी कि सेंटर परीक्षा देना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इंटर सेंटर परीक्षा 2023 का आयोजन 27 नवंबर से होगा, तो वहीं मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2023 का आयोजन 23 नवंबर से किया जाएगा। मालूम हो कि यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक के मुताबिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए कार्यक्रम बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। बता दें कि इस बार इस परीक्षा में 32 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं, जिनमें से मैट्रिक सेंटर परीक्षा में 16 लाख और इंटर सेंटर परीक्षा में 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे। बिहार बोर्ड के अनुसार जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में पास होंगे वो परीक्षार्थी ही इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। बिहारी बोधले में आज हम बात करेंगे ईशान किशन के बारे में। ईशान किशन का जन्म आज ही के दिन 1998 में हुआ था। यह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जो विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। उन्होंने मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। वह इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए और घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलते हैं। दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 131 गेंदों में 210 रन बनाए। एक दिवसीय दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए और पहले एक दिवसीय शतक को दोहरे शतक में बदलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। यह पारी वनडे में सबसे कम गेंदों में बनाया गया दोहरा शतक भी था। वह 2016 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम के कप्तान थे। इस ऐप से मिलेगी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा एक बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप की शुरुआत की गई है, जिससे जमीन से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि इस ऐप के माध्यम से आप अपने जिला, अंचल एवं ग्राम का चयन कर अपने ग्राम में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य एवं बंदोबस्त की अद्यतन स्थिति, शिविर का पता एवं कार्यरत कर्मियों की जानकारी एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप से उन राजस्व ग्रामों को जिनका प्रारूप, अधिकार, अभिलेख एवं मानचित्र प्रकाशित कर दिया गया है उसे भी जान सकते हैं। इसके अलावा 11 प्रकार की ऑनलाइन उपलब्ध लोक
सेवाओं यथा स्वघोषणा, खानापुरी, पर्चा की प्राप्ति एवं आपत्ति का समर्पण, ड्राफ्ट पश्चात आपत्ति देने की सुविधा, आपत्ति के विरुद्ध दिए गए आदेश को देखने की सुविधा, अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र देखने की सुविधा, खेसरावार निर्धारित किए गए लगान को देखने की सुविधा और अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान एवं मानचित्र को देखने की सुविधा मिलेगी। स्कूल डायरी से अभिभावकों को पता चल रहा बच्चों का प्रदर्शन। स्कूल डायरी की मदद से अभिभावकों को अपने बच्चों का प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिल पा रही है और इसके साथ ही उन्हें स्कूल से जुड़े भी कई जानकारी मिल पा रहे हैं। यही वजह है कि 85% अभिभावक ऐसे हैं जो बिना स्कूल डायरी पढ़े हस्ताक्षर नहीं करते और अगर जरूरत पड़ती है तो वो शिक्षकों से मिलने के लिए स्कूल तक पहुँच जाते हैं। बता दें कि सभी जानकारी SCERT की समीक्षा में सामने आई है। मालूम हो कि राज्य में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा तैयार की गई स्कूल डायरी उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे बच्चों को किताबों के साथ हर दिन स्कूल लाना अनिवार्य होता है। इस डायरी में शिक्षकों को प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति लिखनी होती है और साथ ही होमवर्क भी देना होता है। मालूम हुआ कि समीक्षा में यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बच्चों के झूठ को अभिभावकों के द्वारा स्कूल डायरी से ही पकड़ा जा रहा है। बिहार में ओढ़नी और मंदार के आसपास हो रहे विकास के काम। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए ओढ़नी और मंदार के आसपास कई विकास के काम किए जा रहे हैं। इसी के तहत मंदार में रोपवे के बाद बोटिंग की भी शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही अब यहां पर कामधेनु मंदिर परिसर में 70 लाख रुपए की लागत से 8 कमरे वाला गेस्ट हाउस का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा ओढ़नी डैम के पास करीब 13 करोड़ 70 लाख रुपए से थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पर्यटन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बांका के साथ साथ बिहार के प्रमुख स्थलों की झलक देखने को मिलेगी। मालूम हो कि हाउस और थीम पार्क के निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं फिलहाल आइलैंड में रिजॉर्ट का काम चल रहा है। बता दें कि सभी विकास कार्य पर्यटकों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के समन के खिलाफ और के पाठक के समर्थन में आई नीतीश सरकार। बीते 13 जुलाई को पटना हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके खिलाफ अब के पाठक के समर्थन में और हाई कोर्ट के समन के खिलाफ नीतीश सरकार आ गई है और इस मामले को लेकर बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा सीनियर IAS अधिकारी के पाठक ने खिलाफ घनश्याम नाम के एक शिक्षक की अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए के पाठक को पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से नाराजगी करते हुए उनके खिलाफ समन जारी कर दिया गया और 20 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। आज होगा विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला का उद्घाटन। आज यानी कि 18 जुलाई को राजगीर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ होने वाली है। बता दें कि राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंडा कमेटी के प्रवक्ता सुधीर कुमार उपाध्याय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मेला का उद्घाटन पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और शंखनाद से किया जाएगा। ध्वजारोहण के दौरान 33 कोटि देवी देवताओं को राजगीर तीर्थ में पधारने के लिए आह्वान किया जाएगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिमरिया काली धाम के पीठाधीश्वर स्वामी चिदानंद जी महाराज शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रयागराज के जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी, दिलीप योगीराज जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी विवेक मुनि जी महाराज, मगध महामंडलेश्वर स्वामी अंतर्यामी सरन जी महाराज के अलावा राजगीर और आसपास के धार्मिक प्रतिष्ठानों के धर्माचार्य शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वह 19 जुलाई को राजगीर पहुंचने वाले हैं। राशन में धांधली मामले पर मंत्री के आरोपों को लेकर बक्सर DM ने दी सफाई। खाद्य एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा अपने 2 दिवसीय बक्सर दौरे के दौरान यह गंभीर आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त में दी जाने वाली अनाज पर प्रत्येक राशन कार्ड पर 40 रुपए की वसूली की जा रही है। वहीं अब उनके इस आरोप को लेकर बक्सर DM के द्वारा सफाई दी गई है। बता दें कि बक्सर जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल के द्वारा सफाई देते हुए कहा गया कि माननीय मंत्री के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उस आरोपों को आधार बनाकर जाँच किया जाएगा और जाँच के दौरान अगर इसमें थोड़ी भी सत्यता पाई जाती है तो जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अश्विनी कुमार चौबे बीते रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे थे। अंग्रेजी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग के द्वारा जीतोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कमी देखने को नहीं मिल पा रही। बता दें कि ताजा मामला दोघड़ा छलका के समीप का है, जहां पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से सप्लाई देने जा रहे शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उसके पास से कुल 23
23 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान अम्हाड़ा गांव निवासी रितेश कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल तस्कर को जेल भेज दिया गया है और साथ ही बाइक को जब्त कर लिया गया है। एनसीईआरटी करा रहा G20 के थीम पर स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन। वर्ष 2023 में भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एनसीईआरटी के द्वारा भी स्लोगन राइटिंग कंपटीशन आयोजित करवाया जा रहा है, जिसका थीम G20 है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में लोगों को G20 के बारे में समझाने के लिए स्लोगन को तैयार करना है। इस प्रतियोगिता के लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है, जिसके तहत स्लोगन की भाषा सरल होनी चाहिए, स्लोगन एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों के रूप में होने चाहिए, वाक्यों का निर्माण एकदम शुद्ध होना चाहिए और साथ ही स्लोगन में G20 के महत्वपूर्ण क्षेत्र दिखने चाहिए। बता दें कि स्लोगन हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखा जाना चाहिए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगी एनसीईआरटी या माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे मंदार पर्वत के बारे में। मंदार पर्वत भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर बांका जिले में स्थित है। मंदार पर्वत को मंदरांचल भी कहा जाता है। मंदार पर्वत की अपनी धार्मिक महत्वता है। कहा जाता है कि देवताओं ने मंदार पर्वत का उपयोग मथनी बनाकर समुद्र मंथन के लिए किया था। हिंदुओं के लिए यह पर्वत भगवान विष्णु का पवित्र आश्रय स्थल है, तो जैन धर्म को मानने वाले लोग प्रसिद्ध तीर्थकर भगवान वाशु पूज्य से इसे जुड़ा मानते हैं। आदिवासी मूल के लोग इस क्षेत्र को सिद्धि क्षेत्र मानते हैं और मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व यहाँ वो पूरी रात सिद्धि पूजा करते हैं। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर सबसे बड़ा संताली मेला का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मंदार की चट्टानों पर उत्कीर्ण सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां, गुफाएं, ध्वस्त चैत्य और मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव के मूक साक्षी हैं। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और पर्वत के पास का तालाब यहाँ के वातावरण को और भी मनोहारी बनाते हैं। 8वीं कक्षा तक के लिए बनेगा एडवांस टाइम टेबल। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए एडवांस टाइम टेबल बनाया जाएगा, जिसके आधार पर ही अब कक्षाओं में पूरे हफ्ते पढ़ाई होगी। बता दें कि टाइम टेबल हफ्ते के पहले दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड और सभी कक्षाओं में लगा दिया जाएगा। वहीं स्कूलों में निरीक्षण करने पहुंचे पदाधिकारी इस टाइम टेबल की भी जांच करेंगे और बच्चों से फैक्ट चेक भी किया जाएगा। इसके साथ ही इसकी जानकारी स्कूलों के HM के साथ जिला स्तर से होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 8 कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाई जा रही किताबों का लुक भी बदला जाएगा। इसको लेकर SCERT की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट की टीम गठित की गई है। साइबर हमलों से सुरक्षित होगा बिहार का बिजली नेटवर्क। बिहार के बिजली नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाने के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में अब बहुत जल्द इस पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की ओर से काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि आए दिन देश में बिजली ट्रांसमिशन लाइन पर साइबर हमले की घटना सुनने को मिलती रहती है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के विद्युत संशोधन विधेयक 2022 के तहत यह तय किया गया है कि साइबर हमलों से बिजली नेटवर्क को बचाया जाए। मालूम हो कि इस योजना पर करीब 55 करोड़ खर्च आने वाले हैं। बता दें कि स्मार्ट ग्रिडों के साइबर हमलों से सुरक्षा को लेकर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किया जाएगा। इस कमांड सेंटर की अनुमानित कार्य क्षमता 15 वर्षों की होगी। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक नहीं होगी बारिश। बिहार के मौसम में अब बदलाव दिखने वाला है। प्रदेश के कई जिलों में एक तरफ जहां बारिश जैसे हालात रहने वाले हैं, तो कई स्थानों पर बारिश से इनकार किया गया है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावनाओं से इनकार किया है। हालांकि 20 जुलाई के बाद प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार एक ट्रफ लाइन रेखा गंगानगर, नरनौल, अलीगढ़, वाराणसी, डाल्टेनगंज में निम्न दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। साथ ही दक्षिण उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में बारिश कम या न होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में आने वाले 3 दिनों तक लोगों को गर्मी सताने वाली है। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। अगर आप भी बिहार से सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम की जाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि श्रावणी मेले पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है, जिसमें 03244 दानापुर जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल, 03243 जसीडीह दानापुर श्रावणी मेला स्पेशल, 05574 समस्तीपुर भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल, 05573
भागलपुर समस्तीपुर श्रावणी मेला स्पेशल 03340 गया पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल 03340 गया पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल 03266 और 03265 पटना भागलपुर पटना श्रावणी मेला स्पेशल और 03206 और 03205 मोकामा जसीडी मोकामा श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन शामिल है। ईस्टर्न रेलवे के मेन्यू में शामिल होगा सुपर फूड। एक तरफ जहां सरकार की ओर से मोटे अनाज को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर बाजार देने के उद्देश्य से काम किया जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर अब इसमें सरकार को रेलवे का भी साथ मिलने वाला है। दरअसल रेलवे की ओर से खान पान में एक नई कवायद शुरू की जाने वाली है, जिसके तहत अब रेलवे की ओर से मेन्यू में सुपर अनाज को भी शामिल किया जा रहा, ताकि यात्रियों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिल सके। बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मिलेट यानी कि बाजरे से बनी सामग्री शामिल करेगा। इसको लेकर ईस्टर्न रेलवे जोन के जीएम यानी कि जनरल मैनेजर अमर प्रकाश द्विवेदी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि जीएम के द्वारा जिन निर्देश दिया गया है उनमें मालदा, सियालदा, हावड़ा और आसनसोल डिवीजन है। बता दें कि इसके पहले चरण के तहत जोन के कुछ विशेष ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और फिर दूसरे चरण में इसे अन्य ट्रेनों और दूसरे स्टेशनों पर भी शुरू कर दिया जाएगा। मिशन निपुण बिहार कार्यक्रम के तहत बच्चों को मिल रही ये सुविधाएं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम मिशन निपुण बिहार कार्यक्रम है। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत राज्य में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 3 तक के बच्चों को 2026-27 तक कक्षा 3 के लिए निर्धारित भाषा एवं गणित की दक्षताएं प्राप्त कराई जाएंगी। वहीं विद्यालय तत्परता कार्यक्रम के तहत सभी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 के बच्चों के लिए चह कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कक्षा 1 से 5 में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा कक्षा 1 से 3 में नामांकित लगभग 60 लाख बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई है और SCERT के द्वारा राज्य के कक्षा 2 के बच्चों के अधिगम स्तर को समझने के लिए बेसलाइन सर्वे कराया गया है। बता दें कि इससे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर ही जिला वार कार्य योजना बनाई गई है। आज विपक्षी दलों की महाबैठक। बीते 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए विपक्षी दलों की पहली बैठक में सफलता मिलने के बाद आज यानी कि 18 जुलाई को विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में आयोजित की जा रही है। बता दें कि आज के इस बैठक की शुरुआत 11 बजे से होने वाली है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा एजेंडा का परिचय, एजेंडा पर चर्चा, दोपहर का खाना, उपसमूह और सचिवालय का गठन किया जाएगा और फिर बैठक समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद 4 बजे संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज होने वाली इस बैठक में 20 से ज्यादा गैर भाजपा दलों के शीर्ष नेताओं का जुटान होने वाला है। ऐसे में बीते दिन इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। वेस्टइंडीज दौरे के बाद राहुल द्रविड़ के कोचिंग स्टाफ को मिलेगा आराम। ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि वेस्टइंडीज दौरे के बाद भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ समेत पूरे कोचिंग स्टाफ को आराम दिया जाएगा और उनकी जगह पर आयरलैंड दौरे पर VVS लक्ष्मण की अगुवाई वाली कोचिंग स्टाफ जाएगी। बता दें कि 13 अगस्त को वेस्टइंडीज का दौरा खत्म होने वाला है। ऐसे में इस टूर के बाद 18 अगस्त से टीम इंडिया को VVS लक्ष्मण की अगुवाई वाली कोचिंग स्टाफ के अंदर आयरलैंड के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज खेलनी है। बता दें कोचिंग स्टाफ को आराम देने की मुख्य वजह यह है कि उन्हें 31 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले रिफ्रेश होने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। मालूम हो कि एशिया कप के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खेलनी है और फिर वर्ल्ड कप भी खेलना है। ऐसे में कोचिंग स्टाफ का तरोताजा रहना काफी जरूरी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। भारतीय संसद ने 1947 में विवश होकर इस देश के स्वाधीनता के कानून को पारित किया। टेलीविजन से पहला रंगीन प्रसारण मद्रास से किया गया। पूर्ण रूप से भारत निर्मित उपग्रह 1980 में रोहिणी 1 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ। सड़कों के सुधार पर विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ने 2002 में छत्तीसगढ़ को $20 करोड़ की सहायता मंजूर की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में देश के 12वें राष्ट्रपति चुने गए। वाई वेणुगोपाल रेड्डी 2003 में रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने। मनमोहन विश्वार्ता के बाद अमेरिकी प्रशासन ने 2005 में भारत को परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी विषयक आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया। भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को 2007 में कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के सलमान रुश्दी ने 2008 में प्रमोशन टूर के दौरान 57 मिनट में 1000 पुस्तकों पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया।
वालगो में आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट पीएसक्यू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलरशिप की पेशकश करने का दावा करती है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट फेक है। रिटेल आउटलेट डीलरशिप प्रमाणिक और आधिकारिक जानकारी के लिए http://petrolpumpdealerchain.in पर जाएं। व्हाट्सएप अब खुद आपको बताएगा टिप्स एंड ट्रिक्स। मेटा व्हाट्सएप में जल्द ही एक अपडेट लाने वाला है। ये अपडेट ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट का रहने वाला है। इसमें कंपनी यूजर्स को नए अपडेट्स के बारे में जानकारी देगी। फिलहाल ये अपडेट कुछ एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स को मिलना शुरू हुआ है। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के द्वारा शेयर की गई है। ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट के तहत कंपनी यूजर्स को ऐप के नए अपडेट और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानकारी देगी। जैसे कंपनी आपको 2FA के बारे में बताएगी, साथ ही से आप सेट कर सकते हैं इसका ऑप्शन भी चैट में देगी। इस ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट को लाने का मकसद लोगों को सभी नए फीचर्स के बारे में बताना और यूजर्स की प्राइवेसी को बेहतर बनाना है। ध्यान दें कि अपडेट फिलहाल व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा के 2.23.15.10 वर्जन में देखा गया है। कंपनी आने वाले समय में इसे सभी के लिए रोल आउट कर सकती है। केंद्र सरकार के कार्यकाल में गरीब से अमीर हुए इतने करोड़ लोग। बीते दिन सोमवार को नीति आयोग के द्वारा केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए 2 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत 2015-16 में कराए गए NFHS 4 और 2019-21 में कराए गए NFHS 5 की तुलना में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और साथ ही गरीबों की संख्या में 14.96% की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या घटकर 32.59% से 19.28% हो गई है। बता दें कि इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा जिस राज्यों में गरीबों की संख्या में गिरावट आई है उसमें उत्तर प्रदेश है और फिर इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान आता है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2030 से पहले भारत SDG लक्ष्य 1.2 हासिल करने की राह पर है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, ISSF जूनियर विश्व कप में अभिनव सौ और गौतम भनोट ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण। अगला सवाल, अभी हाल में ही दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहां हुई है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला सवाल, भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव हाल ही में किस राज्य में किया जा रहा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र के भिवंडी, ऑप्शन बी बंगलोर के आदिगनहल्ली, ऑप्शन सी गोवा के मोइरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र के भिवंडी। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी जहानाबाद, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी पूर्णिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहानाबाद। अगला सवाल, बिहार में कितनी बौद्ध संगीतियां हुई है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामनवी मांझी, ललन कुमार चंद्रवंशी, रंजीत मिश्रा, महेंद्र कुमार, चंद्रकिशोर रसदेव, सदुल्लाह पलवी, मुटुल रंगीला, मृत्युंजय कुमार, कमलेश शर्मा, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजीव कुमार, रविशंकर, धीरेन्द्र कुमार, ऋषिदेव, तबरेज आलम, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपके जिले का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।